hello students i hope that all of you are fine so in today's class we are going to start chapter number 7 of english literature from class 7 so the name of chapter is festivals are everywhere in this chapter basically we will discuss about the festival about the importance of festival

जो हमारे ट्रेडिशनल रीति और परम्परा वाले फेस्टिवल हैं या राष्ट्रीय फेस्टिवल हैं इनके अलावा भी हमारा जो फैमिली है वो कुछ सेलिब्रेट करती है भाई फेस्टिवल हो गए फॉर एग्जांपल हम कहें एक दिवाली ईद होली ये सब फेस्टिवल्स हैं इसके अलावा भी फैमिली में आपको कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ ऐसे ओकेजन्स मिलते रहेंगे ऐसे सेलिब्रेशन मिलते रहेंगे जैसे कि मान लो बर्थडे हो गया वेडिंग एनिवर्सरीज हो गई इस तरीके के जो ओकेजन्स होते हैं ये भी हम एज ए फेस्टिवल ही सेलिब्रेट करते हैं शेयर अब अगर आप लोग अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो क्लास में एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं ये यहाँ पर बताया गया है हेयर आर सम फेस्टिवल्स सम पॉइंट वैन द फैमिलीज आर कम टूगेदर जब फैमिली एक साथ आती हैं ऐसे कुछ यहाँ पर पार्टीज गेट टूगेदर फेट इनके नाम दिए गए हैं सो यू हैव टू टेल मी फ्रॉम द टाइप्स ऑफ सेलिब्रेशन इट इज़ विच टाइप ऑफ सेलिब्रेशन इट इज़ ये आपको बताना है ओके सो नाव मूव ऑन द चैप्टर वी लिव इन अ लैंड ऑफ फेस्टिवल हम लोग एक ऐसी जगह पर रहते हैं ऐसे देश में रहते हैं जमीन पर रहते हैं जहाँ पर फेस्टिवल्स ही फेस्टिवल्स हैं हर महीने कोई ना कोई फेस्टिवल आता ही है ये आपको पता भी है आवर बिगेस्ट फेस्टिवल्स आर द नेशनल फेस्टिवल विच आर सेलिब्रेटेड बाय द होल कंट्री और जो सबसे बड़ा फेस्टिवल हमारा होता है वो होता है नेशनल फेस्टिवल, जो पूरा देश बनाता है नेशनल नेशन राष्ट्र जो पूरा नेशन बनाता है पूरा देश बनाता है वो होता है आपका नेशनल फेस्टिवल जैसे कि इंडिपेंडेंस डे आप कह लो रिपब्लिक डे गांधी जयंती दीज ऑल आर द नेशनल फेस्टिवल इनके अलावा कुछ सीजनल फेस्टिवल भी हैं जो मौसम के अकॉर्डिंग फेस्टिवल होते हैं मैं मान लो गर्मियों का समर फेस्टिवल मॉनसून फेस्टिवल ऑटम फेस्टिवल स्प्रिंग फेस्टिवल विंटर फेस्टिवल ये कुछ फेस्टिवल जो अकॉर्डिंग टू सीज़न आते हैं जो सीज़न के साथ आते हैं मौसम के साथ आते हैं जैसे कि आपको पता है कि नॉर्थ में लोहड़ी जो आप नॉर्थ में रहते हैं तो थर्टीन जनवरी को लोहड़ी होता है ठीक है फिर ईस्ट में क्या है बिहू नॉर्थ साउथ में क्या है पोंगल और वेस्ट में क्या है गणेश चतुर्थी देज आर द फोर फेस्टिवल्स विच कम्स विद द टाइम और विच कम्स यू कैन से एट अ पर्टिकुलर प्लेस ठीक है लोहड़ी हो गया जो नॉर्थ में मनाई जाती है इसको आप साउथ में जाओगे तो वहाँ पर आपको इसका इतना महत्व इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी मान लो आप ईस्ट में जा रहे हो सो यू विल गेट बिहू गणेश चतुर्थी वेस्ट में है और पोंगल साउथ में है सो so, ये सब क्या है रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं क्या है ये सब रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं अब इसमें फ्रॉम टाइम इम टाइम इम का मतलब है कि बहुत पुराने समय से इम पुराना बहुत पुराना तो बहुत पुराने समय से फेस्टिवल्स हैव बीन ऑब्जर्व थ्रू आउट द ईयर विद ग्रेट पम्प एंड सेरेमनी पोम्प का मतलब होता है धूमधाम से पी का मतलब धूमधाम से हम देखते आ रहे हैं पुराने समय से कि साल में पूरे साल लगभग कोई ना कोई फेस्टिवल आता ही है कोई ना कोई त्यौहार आता ही है जिसको हम लोग बड़े उत्साह से मनाते हैं और एक प्रथा के तौर पर मनाते हैं ठीक है भाई मान लो आप दिवाली मनाते हो तो आपको पता है कि प्रथा है भाई कि पहले लक्ष्मी जी की पूजा होती है लक्ष्मी पूजा के बाद फिर आप लोग अपने दीप जलाते हैं या पटाखे चलाते हैं तो एक सेरेमनी एक प्रथा के तौर पर होती है बड़े उत्साह से बड़े धूमधाम से होती है फेस्टिवल्स ब्रिंग अस क्लोज़र एंड दे क्रिएट अ टाइम फॉर बॉन्डिंग जो फेस्टिवल्स होते हैं ना क्या फ़ायदा फेस्टिवल से एक्चुअली जो लोग हैं जो परिवार हैं वो एक साथ आते हैं एक साथ जुड़ते हैं आपस में मिलते हैं और एक समय के लिए आपस में एक बॉन्डिंग एक जोड़ बना लेते हैं दे हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ कल्चरल ट्रेडिशंस दे हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ कल्चरल ट्रेडिशंस एंड स्ट्रेंथन और माइंड टू फोर गिव एंड फोर गेट ये मदद करते हैं ये क्या करते हैं मदद करते हैं क्या करने के लिए जो कल्चर है जो संस्कृति है जो परंपरा है उनको आपस में एक्सचेंज करने के लिए उनको आपस में बदलने के लिए कि भाई हमें पता लगेगा मान लो इंडिया है इंडिया में क्या है कि मोमडन्स भी हैं क्रिश्चन्स भी हैं आपके हिंदू भी हैं सिख भी हैं तो जो आप ये बनाते हैं फेस्टिवल तो इसमें जो एक दूसरे की जो ये धम है रिलीजन है इनसे आपको एक दूसरे के जो फेस्टिवल्स हैं उनका पता लगता है तो आप इनको क्या कर सकते हैं एक्सचेंज है क्या है एक्सचेंज ऑफ कल्चरल ट्रेडिशंस ठीक है सिंस मोस्ट ऑफ आर फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड विद क्लोज रिलेशन टू नेचर आवर ग्रेट पोइट्स वर्शिप मदर नेचर एंड रिवर हर अमेजिंग ग्रेस थ्रू देयर पोएम्स एंड स्लॉग्स ये कह रहा है कि बहुत सारे फेस्टिवल्स तो ऐसे हैं जो हम प्रकृति के साथ रहकर मनाते हैं जिससे कि हम प्रकृति के नज़दीक रहकर इनको मनाते हैं और जो हमारे बहुत सारे पोएट्स हुए हैं बहुत सारे कवि हुए हैं वे प्रकृति की पूजा करते हैं वे इस नेचर की पूजा करते हैं और इसके साथ सम्मान से जो ये हमें देती है उसका सम्मान करते हुए पोएम्स और श्लोक्स तक लिखे हैं पोइट्स ने प्रकृति का सम्मान करते हुए प्रकृति की ताकत को मानते हुए इसका जो एक अद्भुत जो एक अद्भुत शोभा को बढ़ाने के लिए पोएम्स लिखी गई हैं और श्लोक्स लिखे गए हैं हेयर वी विल रीड टू लेटर्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इस चैप्टर में एक्चुअली वी विल डिस्कस अबाउट द टू लेटर्स हम दो लेटर के बारे में पढ़ेंगे जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं जिसमें कि उन्होंने दो अलग अलग सेलिब्रेशंस दो अलग अलग फेस्टिवल्स दो अलग अलग जगह की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया द फर्स्ट लेटर पहला लेटर उन्होंने लिखा है शेरीदहा शेरीदाह कहाँ पर है जो आज बांग्लादेश में है शेरीदहा एक जगह है जो कि आज बांग्लादेश में है एक लेटर यहाँ से लिखा है और ही रिकमेंडेड इसमें उन्होंने फर्स्ट डे ऑफ ये एक्चुअली जुलाई जून और जुलाई का मंथ होता है जून और जुलाई का मंथ होता है जो रेनी सीजन मानसून जो आता है ना आपका जो मानसून आता है उसका पहला जो मंथ होता है उसको अषाढ़ कहते हैं अषाढ़ के, है। के महीने में सब मानसून आता है ठीक है विच वाज द डे ऑफ ग्रेट पोइट और यह वो दिन है जिस दिन कालिदास ने मेघदूत लिखनी शुरू की थी मेघदूत एक ग्रंथ है एक बुक है और ये हमारे कालिदास जी ने लिखी थी और जिस दिन ये शुरू की गई थी वो दिन था आपका फर्स्ट डे ऑफ असार का पहला दिन ही रोट द सेकेंड लेटर अब रविंद्रदास रबिन रविंद्र नाथ टैगोर जी सेकेंड लेटर लिखते हैं कलकत्ता से जिसको आप आज कोलकाता कहते हैं वेयर ही नरेड्स जहाँ पर उन्होंने दुर्गा पूजा के बारे में बताया है जहाँ पर उन्होंने दुर्गा पूजा के बारे में बताया है और ये ऐसा त्यौहार है जो बड़े तौर पर बड़े स्तर पर कोलकाता में मनाया जाता है दुर्गा पूजा एक बहुत बड़ी पूजा मनाई जाती है इसमें मतलब बहुत लंबे टाइम तक कई दिनों तक मेला भरता है बड़ी पूजा बहुत बड़ी मूर्ति बनाई जाती है बहुत अच्छे से बनाया जाता है ठीक है सो फर्स्ट लेटर शुरू करते हैं ये जो इन्होंने सेलेडाह में लिखा जो कि आज बांग्लादेश में है फर्स्ट डे ऑफ आषाढ़ के बारे में सेलिडा सेकंड अषाढ़ जून सेकेंड जून को उन्होंने लिखा से एट्टीन नाइनटी टू में येस्टरडे कल द फर्स्ट डे ऑफ असाढ़ाढ़ का पहला दिन था द दोनमेंट ऑफ द रेनी सीजन वाज सेलिब्रेटेड विद ड्यू पोम एंड ये कह रहा है पहला दिन आषाढ़ का था इसको एक मानसून के दिन के तौर पर मनाया गया मानसून सीजन मानसून डे मतलब कि वो पहला दिन जिस दिन आपका मतलब अब से बरसात आने शुरू होगी मानसून क्या होता है जिसमें बरसात का मौसम जो होता है ठीक है इसको बड़े उत्साह से बड़े धूमधाम से और बड़ी स्थिति को परख कर बनाया गया इट वॉज वेरी हॉट द होल डे पूरा दिन बड़ी गर्मी रही बहुत गर्म दिन रहा बट इन द आफ्टरनून लेकिन जैसे जैसे दोपहर का समय ढलने लगा डेंस क्लाउड्स रोल्ड अप तो बहुत ज़्यादा घने बादल आ गए बहुत घने बादल अचानक से आने लगे आई थॉट टू माई सेल्फ मैं खुद से सोच रहा था द फर्स्ट डे ऑफ द रेन बरसात का पहला दिन आई वुड रे द रिस्क गेटिंग वेट देन रिमेन कन्फाइंड इन माई डॉन ऑफ केविन आई वुड रे रिस्क मुझे रिस्क लेना चाहिए मुझे खतरा मोल लेना चाहिए बजाय अपने कमरे में क़ैद होकर। मतलब मैं अपने कमरे में कैद न रहूँ मुझे कपड़े में कैद होने की बजाय बाहर जाकर गीला होने का रिस्क ले लेना चाहिए ये कौन कह रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी कह रहे हैं द ईयर 1293 नाइन्टी थ्री ट्वेल्व नाइन्टी थ्री यहाँ पर आपने ऊपर देखा कि यहाँ एटीन नाइन्टी टू है नीचे ट्वेल्व नाइन्टी थ्री कैसे हो गया एक्चुअली दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ बंगाल एरा ये क्या है ये बंगाल का जो समय है उसके अकॉर्डिंग ट्वेल्व नाइन्टी थ्री उन्होंने बताया है विल नोट कम अगेन इन माई लाइफ ये दिन दोबारा नहीं आएगा एंड फॉर द मैटर ऑफ वाट और इस वजह से हाउ मैनी मोर इवन ऑफ दिस फर्स्ट डेज ऑफ विल कम और न जाने कितने ऐसे दिन बार बार आएंगे लेकिन मेरे जीवन में ये समय दोबारा नहीं आएगा माई लाइफ वुड बी सफिशेंटली लॉन्ग कूड इट नंबर थर्टी ऑफ दिस फर्स्ट डेज ऑफ असाड टू वीच द पोइट ऑफ मेघ दूत हैज़ फॉर मी एट लीस्ट गीवन स्पेशल डिस्टिंक्शन हाउ मैनी मोरी वन ऑफ दिस फर्स्ट डेज ऑफ असाट विलकम न जाने मेरे जीवन में कितने ऐसा पहला दिन आएगा अषाढ़ का न जाने ये फर्स्ट डे ऑफ अषाढ़ मेरी लाइफ में कितनी बार आएगा माई लाइफ वुड बी सफिशेंट लूँ मेरा जो जीवन है पर्याप्त है लंबा है कोडिट नंबर थर्टी ऑफ दिस डेज क्या ये तीस नंबर हो सकते हैं ऑफ दिस फर्स्ट डे इस पहले दिन के क्या तीस दिन हो सकते हैं टूबीस द जिस दिन की मेघदूत ने जिस दिन मेघदूत लिखी गई थी जिस समय में मेघदूत को लिखा गया था जो कालिदास जी ने लिखी थी बिगनिंग ऑफ मानसून या मानसून के सीजन के लिए कम से कम इसके लिए तो कुछ खास सम्मान कुछ खास तवज्जो कुछ खास मिलना चाहिए कुछ ख़ास मिलना चाहिए इन समाइम्स इट समाइम्स स्ट्राइक्स में कभी कभी यह मुझे सोचना मजबूर करता है हाउ इमेंसली फॉर्चुनेट कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ आई एम दैट ईच डे शुड टेक इट प्लेस इन माई लाइफ कि रो ये दिन हर एक दिन मेरे जीवन में मुझे मिलता है मुझे इसको बिताने का मौका मिलता है मुझे इसको महसूस करने का मौका मिलता है आइदर एंड विद द राइजिंग एंड सेटिंग शन और रिफ्रेशिंगली कूल विद डीप डार्क क्लाउड्स और ब्लूमिंग लाइक अ वाइट फ्लावर इन द मून लाइट वट अनटोल्ड वेद आयदर रेड ये कह रहा है कि जो सूरज निकलता है राइजिंग ऑफ द सन और सूरज छिपता है सेटिंग ऑफ द सन दैट टाइम यू नो द कलर ऑफ द सन इज़ रेड जो इसकी लाली है जो सूरज की लाली मुझे देखने को मिलती है सुबह और शाम जो ये ठंडा मौसम मुझे महसूस होता है जो ये घने घने बादल मुझे मिलते हैं दिखते हैं और जो ये सफ़ेद फूलों की तरह मैं महकता हूँ ये रात के चाँद के समय जब चाँदनी निकलती है चाँदनी में सफ़ेद फूल महकते हैं क्या ये मौसम क्या ये एहसास मुझे मिल सकता है क्या लाइफ में ये एहसास मुझे कभी मिल सकता है क्या ये एहसास हर एक दिन मुझे मिल सकता है वाट अनटोल्ड वेल्थ और ये ऐसा धन है जिसको मैं बता नहीं सकता ये ऐसी फीलिंग है जिसको मैं बयान नहीं कर सकता ये ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता सो so, आप देखो नेचर के कितने करीब होकर लोग कितना अच्छा महसूस करते हैं ये यहाँ पर बताया गया है अ थाउजेंड ईर्स एगो हजारों साल पहले कालिदास वेलकम डेट फर्स्ट डे ऑफ अषाढ़ कालिदास ने आषाढ़ के उस पहले दिन का स्वागत किया था एंड वंस इन एवरी ईयर ऑफ माई लाइफ दैट सेम डे ऑफ असैड डाउन इन ओल इट्स ग्लोरी और मेरे जीवन में हर साल यह दिन आता है दैट सेल्फ सेम डे ऑफ द पोएट ऑफ ओल्ड उज्जैन विच हैज़ ब्राउड टू काउंटलेस मैन एंड वुमेन दे आर जोज ऑफ यूनियन एंड दे आर पैंगस ऑफ सेपरेशन ये जोएज ऑफ यूनियन है इसका मतलब है कि एक साथ रहने का मजा एक साथ रहने का मजा एंड पैक्स ऑफ सेपरेशन का मीन्स होता है अलग होने का दुख जोए ऑफ यूनियन साथ रहने का मजा या साथ रहने में मज़ा या साथ रहने का आनंद और पैंक्स ऑफ सेपरेशन मीन्स होता है अलग होने का दुःख तो ये कह रहा है कि दैट सेल्फ सेम डे ऑफ द पोएट कि उस दिन पोएट ने जो उज्जैन का पुराना उज्जैन से जो पोएट था उसने जो लिखा था जिसने कि बहुत सारे बहुत सारे अनगिनत अं, अनगिनत लोगों को अनगिनत महिलाओं को बताया कि साथ रहने में कितना मजा है और अलग होने में कितना दुख होता है एवरी ईयर वन सच ग्रेट टाइम है लो डे ड्रॉप आउट ऑफ माई लाइफ एवरी ईयर वन सच ग्रेट डे कह रहे हर साल इस दिन मेरे जीवन में जो बूंदें पड़ती हैं एंड द टाइम विल कम वैन दिस डे ऑफ कालिदास दिस डे ऑफ द मेघ दूत दिस एटर्नल फर्स्ट डे ऑफ द रेंज इन हिंदुस्तान सेलकम नो मोर फॉर मी और ये जो दिन हैं ये जो दिन है जो कालिदास ने बताया है आषाढ़ का फर्स्ट डे बताया है मेघदूत का दिन बताया है ये जो दिन है ये जो देवीय पहला दिन है बरसात का जे यो देवताओं का देवता रूपी जो पहला दिन है बरसात का हिंदुस्तान में शायद मेरे लिए और ज़्यादा ना आए शायद मेरे लिए और ज़्यादा ना आए शायद मैं अगले साल इस दिन को अपने जीवन में न देख पाऊँ यहाँ पर विनाथ जी ये कह रहे हैं वेन आई रियलाइज दिसकम टू ई सनराइज टू से फेयरवेल टू ईच डेज सन सेटिंग सन एज टू एन इंटीमेट फ्रेंड और जब मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद मैं इसके बाद अगले साल ये दिन नहीं देख पाऊंगा तो मैं हर एक रोज धन्यवाद करता हूँ मैं हर एक रोज प्रकृति को नेचर को थैंक्स बोलता हूँ और उसके छुपते हुए सूरज को और उगते हुए सूरज को अपने एक ख़ास दोस्त की तरह स्वागत करता हूँ और फेयरवेल कहता हूँ हेलो कहता हूँ और गुड बाय कहता हूँ जब सूरज निकलता है तो हेलो उसका वेलकम करता हूँ और जब सूरज छिपता है तो फेयरवेल उसको गुड बाय कहता हूँ जैसे कि वो मेरे एक दोस्त है मेरे एक ख़ास दोस्त है इसलिए मैं हर एक दिन को बड़े आनंद से नेचर के टच में होकर प्रकृति के साथ बिताना पसंद करता हूँ व्हाट ए ग्रैंड फेस्टिवल कितना अजीब कितना बेहतरीन ये त्यौहार है वाट ए वॉश थिएटर ऑफ फेस्टिविटी इसमें कितनी अच्छी फेस्टिविटी है कितना अच्छा इसको मनाया जाता है कितने अच्छे से इसको ये थिएटर के तौर पर ये थिएटर के तौर पर अब थिएटर ऑफ फेस्टिविटी दैट मीन्स पूरी दुनिया ब्रह्मांड व्हाट ए वॉज थिएटर ऑफ फेस्टिविटी ब्रह्मांड के तौर पर ठीक है कितना बड़ा ब्रह्मांड है पूरी दुनिया कैसे मनाती है एंड वी कैन नॉट इवन फुली रेस्पॉन्ड टू इट और हम लोग है कि इसकी जिम्मेदारी तक नहीं लेते सो फार अवे डू वी लिव फ्रॉम द वर्ल्ड इसलिए इस दुनिया से दूर इसलिए हम इस वर्ल्ड से दूर जीते हैं दूर मतलब यहाँ पे बोला है कि ब्रह्मांड तक पूरा वर्ल्ड जो आपका पूरा संसार है पूरी दुनिया है जो वर्ल्ड है जो भगवान है वो तक इस दिन को मनाते हैं लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं इससे दूर हो रहे हैं हम इसको नहीं समझ रहे द लाइट ऑफ द स्टार्स ट्रेवल्स मिलियंस ऑफ माइल्स टू रीच द अर्थ बट इट कैन नॉट रीच और हार्ट्स जो सितारों की रोशनी है वो कई मीलों की यात्रा तय करके कई मीलों की दूरी तय करके हमारे पृथ्वी तक पहुँचती है हम तक पहुंचती है लेकिन हमारे दिलों तक नहीं पहुंच पाती वो जो प्रकाश है वो जो लाइट है वो हमारे दिलों तक पहुंचता है हमारे पास तक पहुंच जाता है कई मिलों तक कई किलोमीटर कई लाखों किलोमीटर की दूरी तय करके लेकिन हमारे दिल तक नहीं पहुँच पाती सो मैनी मिलियंस ऑफ माइल्स फर्दर ऑफ वी आर वी तो आप ये देखो कि हम खुद से कितनी दूर हैं हम खुद से कितनी दूर हैं और हम तक हमारे दिल तक ये प्रकाश नहीं पहुंच पाता द वर्ल्ड इंटू विच आई हैव इज पीपल्ड विद स्ट्रेंज द हैल्ड इंटू विच ये दुनिया ये दुनिया जिसमें आई हैव टम्बल्ड मैं इसमें अपीयर हुआ मैं इसमें आया जिस दुनिया में रहता हूँ इज पीपल्ड विद स्ट्रेंज फीलिंग्स इसमें अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं पीपल्ड इनहैबिटेड इसमें अलग-अलग अजीब अजीब से लोग रहते हैं दे आर ऑलवेज बिजी इन वॉल्स एंड रूल्स राउंड देम और ये हमेशा बिजी रहते हैं दीवार खड़ी करने में या नियम बनाने में या शासन करने में रूल करने में अपने आप को एक लिमिट में बांधने में एंड हाउ केयरफुल दे आर विद देयर कर्टेंस लेस्ट दे शुड सी और वो कितने केयरफुल हैं कितने सावधान हैं उन पर्दों के लिए जो उन्हें हटाने चाहिए जिसको हटाकर उन्हें अपने आसपास देखना चाहिए वो उन पर्दों को लगाने में कितनी सावधानी बरतते हैं इट इज़ अ वंडर टू मी ये मेरे लिए बड़ी चौंकने की बात है दे हैव नोट मेड ड्रैप कवर्स फॉर फ्लोरिंग प्लांट्स एंड पुट अप अ कैनोपी टू वर्ड ऑफ द मून कि ये लोग कैसे फ्लोरिंग प्लांट्स को ढक देते हैं मतलब जो एक प्लांट है जिसपे कि फूल आता है कैसे उसको कवर करते हैं और कैसे चांद की रोशनी से बचने के लिए कैनोपी लगा देते हैं चांद की रोशनी इनके पास ना आ सके वहाँ पर पर्दा लगा देते हैं खिड़की लगा देते हैं बंद कर देते हैं और प्लांट्स के फूल जो आते हैं उनको कैसे कवर कर देते हैं ये देख कर मुझे बड़ा अजीब लगता है इफ़ द नेक्स्ट लाइफ इज डिटरमाइंड बाय द डिजायर ऑफ दिस अगर अगला जीवन मुझे इन्हीं सब इच्छाओं के लिए मिला देन आई शुड बी रिबोन फ्रोम और अनस्राउडिड प्लान तो मैं अपने इस प्लानिट के लिए एंसराउड मीन्स जो कवर्ड होता है अपने इस प्लान के लिए ऐसी जगह पर जाऊँगा और मज़ा लेने के लिए पैदा होऊँगा कि जो मैं आपको बता नहीं सकता आई शुड बी रिबोन मैं दोबारा जन्म लूँगा अगर हो सका फ्रोम और अनस्राउडेड प्लानट अपने छिपे हुए ग्रह से अपने कवर्ड ग्रह से इन टू सम फ्री एंड ओपन जहाँ पर बिल्कुल आज़ाद रहूँ और ओपन रियल है और जहाँ पर मैं बड़े खुले के साथ बड़े आनंद के साथ उसका एंजॉय कर सकूँ बड़ा ओपनली उसको एंजॉय कर सकूँ ऐसी जगह पर मैं जन्म लेना चाहूँगा वंस दोज हु कैन नोट स्टीप डैम सेल्व स्ट्रीम होता है सॉक वंस दिस हु कैन नोट स्टीप डैम सेल्व इन ब्यूटी टू द फुल डेस्पाइज इट एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेज ये कह रहा है कि उनके लिए जो शोक दैम सेल्फ जो खुद को चौंका नहीं सकते शोक नहीं दे सकते हैं खुद को समझ नहीं सकते इन ब्यूटी सुंदरता को नहीं समझ सकते टू द फुल एज ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंस दैट मीन्स कि उनको वो एक सेंस वाले इंसान कैसे हो सकते हैं समझ वाले कैसे कह सकते हैं अगर वो इतना नहीं समझ पाते कि सुंदरता क्या है भाई सुंदरता नहीं देख पाते प्रकृति की सुंदरता नहीं देख पाते तो कैसी सेंस है कैसी समझ है उनके पास बट दोज हुव टेस्टेड ऑफ इट्स इन एक्सप्रेसिबिलिटी नो हाउ फार इट इज़ बियॉन्ड द हाइस्ट पावर्स ऑफ मेयर आई और ईयर डे इवन द हर्ट इज पावरलेस टू अटेन द एंड ऑफ इट्स ईयरनिंग लेकिन जो इसको समझते हैं जो इसका स्वाद चखते हैं जो इसके प्या आस पास रहते हैं जो नेचर को प्यार करते हैं वो कह समझते हैं कि इसकी ताकत क्या है वो समझते हैं कि इसकी ताकत क्या है और वो ये भी समझते हैं कि हमारी आंखें हमारे कान से कहीं दूर बहुत दूर है इवन द हट जबकि हमारा जो हार्ट है जो दिल है वो भी पावरलेस है जिससे कि टू अट द एंड ऑफ इट्सिंग और हम इससे कहीं ना कहीं दूरी तो और हम जो हमारा दिल है वह भी बिना शक्ति का हो जाता है और हम इससे बहुत दूर निकल जाते हैं इसमें कहा गया कि जो नेचर के पास रहते हैं जिनको नहीं पता ठीक है वो दूर हो जाते हैं सुंदरता तो नहीं देख पाते लेकिन जो इस चीज़ को महसूस करते हैं और महसूस करने के बाद वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं एक्स, एक्सप्रेस भी करते हैं टेस्टेड ऑफ इट्स इनएक्सप्रेसिबिलिटी इस नेचर की स्वाद को चखना अपने आप में वो जानते हैं कि वाकई में यह है कितनी दूर आई हैव लेफ्ट आउट द वेरी थिंग आई स्टार्टड टू टेल ऑफ मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई बहुत सारी आपको चीज़ें छोड़ी डोंट बी अफरेट डरो मत इट वोंट टेक फोर मोर सीट्स ये चार सीट नहीं लेगा चार ज़्यादा और पेज नहीं भरेगा इट इज़ दिस दैट ऑन द इवनिंग ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ असाढ़ इट केम ऑन टू रेन वेरी हैवीली इन ग्रेट लैंड लाइक सौ वर्स दैट इज ऑल जो पहला दिन होता है असाढ़ का उस दिन शाम को बहुत बारिश आई बूंदा बांदी हुई और इस तरह बारिश हो रही थी कि मान लो सावर, सावर चल रहा हो मान लो सावर चल रहा हो इस तरह से बारिश हो रही थी और दैट इज ऑल इतना ही मैंने आपको बताया इतना ही मैंने लिखा है अब ये था फेस्टिवल द फर्स्ट डे ऑफ आसारिच इज रिटर्न बाय द रविंद्रनाथ टैगोर फ्रॉम सेलिडा एंड सेलेडा इज प्रजेंटली इन बांग्लादेश नाउ द सेकेंड लेटर इज कॉल फ्रॉम कलकत्ता इज नाम रविंद्रनाथ टैगोर ऑन फिफ्थ अक्टूबर पहला लेटर लिखा गया एटीन नाइनटी टू में उसके दो साल बाद दूसरा एटर लिखा गया 1894 में टुमारो इज़ द दुर्गा फेस्टिवल अब वहाँ पर सेकेंड जून को लिखा था क्योंकि फर्स्ट जून को फर्स्ट डे ऑफ आषाढ़ यहाँ पर एक दिन पहले इन्होंने लिखा है इन्होंने लिखा कि कल दुर्गा फेस्टिवल है कल दुर्गा पूजा है एज आई वॉज गोइंग टू एस यस्टरडे एज़ आई वाज गोइंग टू एस यस्टरडे जैसे कि मैं कल घूमने गया था आई नोटिस्ड इमेज बींग मेड इन ऑलमोस्ट एवरी बिग हाउस ऑन द वे और मैंने देखा मैंने देखा कि दुर्गा माँ की मूर्ति जो बड़े बड़े घर हैं रास्ते में उन सब में दुर्गा माँ की मूर्ति बनाई गई है उन सब के अंदर बड़ी बड़ी दुर्गा माँ की मूर्ति रखी हुई है इट स्ट्रग मी दैट ड्यूरिंग दीज फ्यू डेज ऑफ द पूजाज ओल्ड एंड यंग लाइक हैड बिकम चिल्ड्रन कि जो बर्ड छोटे हों बड़े हों एक साथ दिखने वाले हों ना दिखने वाले हों ये सब एक बच्चे की तरह बन जाते हैं इन कुछ दिनों के लिए जब तक पूजा चलेगी सब के सब लोग बच्चे बन जाएंगे वैन वी कम टू थिंक ऑफ इट जब मैं सोच ही रहा था ऑल प्रिपरेशन फॉर एन्जॉयमेंट इज रियली अ प्लेइंग विद टॉयज विच आर ऑफ नो कंसिक्वेंस इन देम अब जो इसमें बच्चे बच्चे बने ये तैयारी तो कर रहे हैं एंजॉय करने की मज़े लेने की आनंद लेने की ये वास्तव में टॉयज से खेलेंगे खिलौनों से खेलेंगे जो स्थिति के अनुसार नहीं है इन दमसे उनके अंदर उनके अंदर मतलब एक मान लो एक बूढ़ा व्यक्ति एक पैंतालीस पचास साल का आदमी है वो भी एक बच्चे की तरह बिहेव करेगा वो भी एक बच्चे की तरह बिहेव करेगा इस टाइम को पूरा एंजॉय करेगा ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है फ्राम आउटसाइड इट मे अपीयर वेस्टफुल बाहर से तो लगेगा बकवास है बाहर से लगेगा बिल्कुल ख़राब है बिल्कुल वेस्ट है बट कैन दैट बी कॉल्ड फ्यूटाइल विच रेजिज सच ए वे ऑफ फीलिंग थ्रू एंड थ्रू द कंट्री लेकिन जब वह उसको इंटरनली फील करता है जब वह उसको इंटरनली फील करता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो फीलिंग होती है कहीं ना उसके अंदर देशभक्ति से थ्रू द दे कंट्री देश के थ्रू आती है या उसके आसपास से आती है इवन द ड्रेस्ट ऑफ वर्ल्डली वाइज पीपल आर मूवड आउट ऑफ दर सेल्फ सेंटर इंटरेस्ट बाई द रस ऑफ द प्रीवेडिंग इमोशंस इसने बोला है कि अब यहाँ पर वे लोग भी बाहर आ जाते हैं जो किसी काम से अपना मूड खराब करके बैठे हैं उनका मूड ठीक नहीं है लेकिन इस भीड़ की गहमा गहमी में इस भीड़ के साथ इस आनंद के साथ इन बच्चों की हरकतों के साथ वो लोग भी बाहर आ जाते हैं और अपने जो वैस खराब मूड होता है उसको दूर करके और वो भी खुशी में शामिल हो जाते हैं दस वंस एवरी एसली साल में हर बार एक बार देयर कम से पीरियड ऐसा समय आता है व्हेन ऑल माइंड्स आर इन ए मेल्टिंग मूड जब सबका मूड अच्छा हो जाता है फिट फॉर द स्प्रिंगिंग ऑफ लव सब लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं सब लोग एक दूसरे के ऊपर प्यार बिखेरते हैं एंड अफेक्शन एंड सिंपैथी दया दिखाते हैं और एक दूसरे से लगाव दिखाते हैं द संग्स ऑफ वेलकम एंड फेयरवेल टू द गोडेज गाने बजते गाने बजते हैं संगीत बजता है देवी के आने का और देवी के जाने का जब शुरुआत होती है तो देवी का वेलकम किया जाता है जब समय खत्म हो जाता है तो उसके बाद देवी के विदा किया जाता है फेयरवेल की जाती है द मीटिंग ऑफ लव्ड वंश अब जो ये प्यारे होते हैं जो लव्ड वंश हैं ये सब इकट्ठे होते हैं द स्ट्रेंस ऑफ द फेस्टिव पाइप्स द लिंपिड स्काई एंड मोल्टन गोल्डन ऑफ गोल्ड ऑफ ऑटम आर ऑल पार्ट्स ऑफ वन ग्रेट पेन ऑफ जॉय अब जो आपका ये अनक्लाउडेड लिपिड क्या होता है अनक्लाउडेड स्काई आसमान बिल्कुल साफ़ है आसमान बिल्कुल साफ रहता है और जो आपका मौसम है ओटम सीजन जो है जो जिसको आप कहते हो जो ओटम सीजन है मोल्टन गोल्ड सुनहरा ओटम होता ना जब आपके नए नए पत्ते आते हैं तो वो जो नए पत्ते का सीजन होता है सो, सोने सोने सा लगता है पीला पीला सा पत्ते आते हैं एक गोल्ड जैसा महसूस होता है और इन पार्ट में इन सब के बाद एक जो आनंद के लिए सॉन्ग्स बजाए जाते हैं प्रेज के लिए प्रेज करने के लिए सॉन्ग्स बजाए जाते हैं और ये प्रेस किसका उस दुर्गा माँ का कि दुर्गा माँ की विजय और दुर्गा माँ की तारीफ़ में जो सॉन्ग्स बजते हैं उनको पेन कहते हैं उनको पेन कहते हैं प्योर जो है इज द चिल्ड्रंस जो है सबसे शुद्ध जो जो होता है वो बच्चों का आनंद होता है सबसे ज़्यादा मुझे कौन लेता है बच्चे लेते हैं दे हैव द पावर ऑफ यूजिंग एनी एंड एवरी ट्रिवियल थिंग टू क्रिएट दे वर्ल्ड ऑफ इंटरेस्ट ये ऐसे प्राणी हैं कौन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं कि इनमें ऐसी ताकत है हर चीज़ का मजा ले सकते हैं ये जो भी आपके सामने चीज़ है उसका हर एक चीज़ का मजा ले सकते हैं क्योंकि ये ज़िम्मेदारी से दूर है इनको दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है। ये दिल से सोचते हैं बिल्कुल शुद्ध बिल्कुल प्योरली हार्ट इनका होता है उसमें कुछ भरा नहीं होता इसलिए हर एक चीज़ को अच्छा समझते हैं और उसका एनजीओ लेते हैं उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं एंड द अगलेस्ट डोर इज़ मेड ब्यूटीफुल विद their इमेजिनेशन एंड lives विद their लाइफ और ये इतने साफ़ होते हैं कि बद्दे से बद्दी गुड़िया भी भाई कितनी भी खराब गुड़िया हो इनको वो भी अच्छी लगती है इनको वो भी अच्छी लगती है क्यों क्योंकि ये इमेजिन करते हैं क्योंकि ये कल्पना करते हैं महसूस करते हैं भाई बहुत अच्छी है तो वो अच्छी लगने लगती है ही हु कैन रिटेन दिस फैकल्टी ऑफ एन्जॉयमेंट आफ्टर ही हैज़ ग्रोन अप इज़ इंडियड द ट्रू आइडलिस्ट और जो अपने जीवन में जो अपने जीवन में इस एबिलिटी को रिटेन दिस फैकल्टी फैकल्टी मीन्स इस एबिलिटी को अपना लेता है बना के रखता है कि हाँ मुझे हर चीज़ अच्छी दिखती है एक बच्चे वाला मन एक बच्चे वाला मन जो अपने लाइफ को बना लेता है वह है एक सच्चा विचारक होता है वह है एक सही व्यक्ति होता है वह लाइफ में कभी दुखी नहीं होता वह लाइफ में किसी से घरना नहीं करता किसी से चिड़ता नहीं ईर्सा नहीं करता आनंद से रहता है फॉर हिम थिंग्स आर नॉट मेयरली विजिबल टू द आई और ऑडिबल टू द ईयर फॉर हिम उसके लिए आर नॉट मेयरली उसके लिए चीज़ें न तो इतनी दिखाई देती हैं आँखों से और न से सुनाई देती हैं बट दे आर ऑल्सो सेंसिबल टू द हर्ट वो बल्कि दिल से महसूस करता है ऐसा नहीं है कि आंखों से देखेगा कान सुनेगा तभी वो चीज़ को दिल से महसूस करता है एंड दे आर नैरोनेस एंड इम्परफेक्शन आर लोस्ट इन द ग्लैड म्यूजिक विच ही हिमसेल्फ सेल्फ विच ही हिमसेल्फ सप्लाइज और जो उसकी नेरोनेस एम परफेक्शंस है मतलब जो उस वो एक कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल बना देता है ऐसा कि वो हर समय एक मधुर संगीत में खोता रहता है जो ये पूजा होती है इस पूजा के टाइम में कोई कितना भी समस्याओं से गिरा व्यक्ति क्यों ना हो कितना भी परेशानियों से व्यक्ति क्यों ना हो वह इसमें ऐसा हो जाता है बिल्कुल बच्चों की तरह और अपने सारे दूसरा भूल जाता है भाई उस संगीत में उस म्यूजिक में जो गाने बजते हैं भजन बजते हैं उसमें सब कुछ भूल जाता है और बस वह भजन उसके अंदर चलते रहते हैं एवरी वन कैन नॉट होप टू बी एन आइडलिस्ट हर एक व्यक्ति को आप आइडल नहीं बना सकते हर एक व्यक्ति को आप अच्छा नहीं समझ सकते बट अ होल पीपल अप्रोच नियरेस्ट टू दिस ब्लिसफुल स्टेट एट सच सीज़न्स ऑफ फेस्टिविटी लेकिन सब लोग लेकिन सब लोग इस फेस्टिविटी इस सीज़न ऑफ फेस्टिविटी के दौरान जो ये आपका क्रिएशन है ये जो आपका होल वर्ल्ड है जो ये ब्रह्मांड है जो इस सीजन आता है ना इस सीज़न में सब लोग फिर भी अच्छे हो जाते हैं एंड देन वट मे ऑर्डिनरीलीपेर टू बी अ मेयर टोय लोसिज इट्स लिमिटेशन एंड बिकम्स ग्लोरीफाइड विद एन आइडियल अब ये कह रहा है कि इसमें एंड देन वर्ट में ऑर्डिनरीली अपियर क्या सामने आता है टू बी अ मेयर टोए लोसिज की एक बहुत कीमती ये एक मेयर टोए एक खिलौना लोसिस खो देता है अपनी सीमाओं को लिमिटेशंस को कमियों को एंड बिकम्स और बन जाता है एक आइडियल रेडियांस एक ऐसा व्यक्ति एक बिल्कुल सिद्ध व्यक्ति जिसके अंदर कुछ कमी ही नहीं है एक ऐसा आदमी जो दूसरों को ज़्यादा गाइड करता है प्रैक्टिस के दौरान तो एक फ्लोसफ़र बन जाता है ऐसा व्यक्ति तो इसमें बताया गया कि दुर्गा पूजा का जब फेस्टिवल आता है सो बड़े बूढ़े जो सब होते हैं सब बच्चे बन जाते हैं हर एक पल को एंजॉय करते हैं हर एक मोमेंट को मजा लेते हैं और यही होता है इस सीज़न में कि सब लोग अपनी चिंताएं भूल जाते हैं अपना काम छोड़ देते हैं और सिर्फ माता के नाम को याद रखते हैं माता के भजन सुनते हैं और माता को याद करते हैं ये कहानी मैंने आपको बताया ये लेटर्स सविन्द्र नाथ ने लिखे जिनको रवि ठाकुर भी कहा जाता है रोट बहुत सारे इन्होंने पोएम्स लिखी बहुत सारे नॉवल्स लिखे बहुत सारे प्लेज लिखे इस ऐसे लिखे स्टोरीज लिखी बंगाली भाषा में और बाद में इंग्लिश में उसको बदला भी गया ही एनरीज it बंगाली लैंग्वेज बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोज एंड वर्ड्स फॉर्म्स इन कोलोकअल बंगाली एंड देयर बाय बाई इट फ्रॉम इट्स क्लासिकल मॉडल बेस्ड ऑन संस्कृत इन्होंने बंगाली भाषा को एक नया रूप दिया इन्होंने उसमें नए नए प्रोज जोड़े नए नए उसमें ग... दोहे जोड़े और उनको जोड़कर बंगाली भाषा को नया रूप दिया और थोड़ा संस्कृत से उसको फ्री कर दिया ही वाज ए फिलोसफर एक फिलोसफर थे ग्रेट एजुकेशनलिस्ट बहुत पढ़े लिखे थे पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ कंट्री भारत की आज़ाद कराने का जो मूवमेंट था उस आंदोलन थे उसमें उन्होंने भाग लिया था ही वाज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1913 1913 में ये पहले नॉन यूरोपियन जो यूरोपीय लोग हैं उनको मतलब यूरोप के जो लोग थे उनको मिलता है ये नोबल प्राइज़ लिटरेचर में ये पहले नॉन यूरोपीय पहले गैर यूरोपीय सदस्य बने थे जिनको नोबल प्राइज़ मिला था अवर नेशनल एंथम जो हमारा नेशनल एंथम है याद रखना जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन गणमन वो भी इनके द्वारा ही कंपोज किया गया था वो भी इन्होंने ही कंपोज किया था ठीक है स्टूडेंट्स सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर सेवन इसको आप बहुत ध्यान से सुने देखें कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं यू कैन आस्क एट एनी टाइम ऑन माई व्हाट्सएप नंबर और ऑन द कमेंट और माई कॉन्टेक्ट नंबर सो टिल द नेक्स्ट वीडियो आप इसको ध्यान से देखिए समझिए एक्सरसाइज कीजिए कुछ दिक्कत आती है पूछिए नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू चैप्टर टिल देन बाय बाय हैव है नाइस डे टू ऑल ऑफ यू